विश्व में फैल रही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से 1.5 लाख मास्क बांटने के उनके प्रस्ताव पर शासन ने 2 माह बाद भी स्वीकृति जारी नहीं की है, जबकि शासन संक्रमण से बचाव के लिए एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम चला रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। इससे लगता है कि शासन विषम परिस्थितियों में भी दोहरी नीति अपना रहा है। मीडिया को जारी बयान में यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 12 जून को उन्होंने आम जनता को बांटने के लिए 1,50,000 मास्क विधायक विकास निधि 2020-21 से खरीदने की अनुशंसा की थी, जिस पर 4,90,544 रुपए का खर्च था। इसके बाद 1 जुलाई को मास्क खरीदी की अनुमति प्रदान करने संबंधी पत्र भी आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल को भेजा था, बावजूद अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ दुर्गा नवमी की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शासन द्वारा कोरोना के बचाव हेतु 1 मास्क अनेक जिंदगी जैसे कार्यक्रम चला रहे कि कोरोना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु मैंने 2 माह पूर्व 1.5 लाख सेनेटरी मास्क खरीदने तो विधायक निधि से स्वीकृत किए थे, उसकी स्वीकृति शासन द्वारा आज तक प्रदान नहीं की गई है। ऐसा लगता है गंभीर बीमारी में शासन दोहरी पॉलिसी अपना रहा है। करीब 1.5 लाख मास्क आम जनता में बढ़ते हैं तो शासन एक तरफ तो आपातकालीन मीटिंग बुला के नाटक कर रहा है, लेकिन गंभीर स्थिति है, तत्काल समय का इंतजार नहीं कर सकते तो तत्काल मीटिंग ले रहा है। दूसरी तरफ विधायक निधि से ये पहले प्रचारित किया गया था कि विधायक निधि से आप मास्क खरीद सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, परंतु उसमें भी अनुमति उन्होंने चिकित्सा कर्मियों के लिए ही दी थी। हमने इस बात को उठाया था और विधायक निधि से हमने 5 लाख रुपए के मास्क खरीद कर शासकीय कर्मचारी चाहे नगर पालिका का हो, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से हो, उनके माध्यम से बढ़ाने का हम करीब 1.5 लाख मास्क बांटने की अनुशंसा की थी, जिसकी 2 माह से ज़्यादा समय हो गया अभी तक उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। हम शासन से मांग करते हैं और कि तत्काल इसको स्वीकृति प्रदान करें। और दूसरी तरफ मास्क नहीं पहनने वाले जुर्माने भी किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं ये जो मास्क खरीद नहीं सकते, उनको एक तरफ तो मास्क के लिए प्रेशर किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम मास्क बांटने के लिए राशि स्वीकृत कर की हुई है, उसके बावजूद भी उसकी स्वीकृति नहीं जा रही है। और निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जो विधायक निधि 5 लाख रुपये हमने स्वीकृत किए हैं उसके मास्क खरीदने की अनुमति दी जाए, जिससे हम कि नगर पालिका में नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा और पंचायत में पंचायत कर्मियों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम इनका वितरण करा सकें, जिससे कि लोग गंभीर बीमारी में इनका बचाव कर सकें। SDM कार्यालय पर राशि दी गई थी जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसका कोई उसका उस राशि का क्या उपयोग किया गया ऐसा कोई वो नहीं, तो उसके लिए आप कहेंगे? निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। जब कोरोना का प्रारंभ हुआ था तो उस समय मैंने 1 लाख रुपये नकद और अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संस्थाओं ने बहुत सारे नगद राशि भी दी थी और बहुत सारे दान भी किए थे। उसको प्रशासन को चाहिए कि वो उन पैसों का उपयोग उन्होंने कहाँ करा। आज भी कल भी मीटिंग हुई, कब मैं भोपाल में था, तत्काल SDM का फोन आया कि आज ही मीटिंग रखी थी मैंने कि आज यदि आप लोग गंभीर हैं इस मैटर पे तो एक रोज पूरा हमको सूचना दिया करो तो हम भी मीटिंग में उपस्थित रहें। तो निश्चित रूप से उन राशियों का सामाजिक संस्था का ही 1-2 संस्था सामाजिक संस्थाओं ने बोला अब हम पे फिर दबाव बनाया जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि मैं एक पत्र जारी करें, उसमें खर्चे का हिसाब किताब हो, जिससे कि आम जनता और प्रेरित हो, हमारा पैसा अच्छे कामों में लग रहा है तो और प्रेरित हो। तो उसका भी हम चाहते हैं कि जनता के बीच वो सब जाए कि आप लोगों ने उसकी राशि का सदुपयोग खाका करा, जिससे कि और जनता उसको देख के और प्रेरित हो कि हमने इतना लोगों ने दान दिया था, उस राशि का प्रशासन ने उसमें ऐसा खर्च करा है। तो निश्चित रूप से यदि अच्छे
सुचारू रूप से खर्च हुआ तो जनता और दान देकर इस बीमारी में लड़ने की शक्ति प्रशासन को प्रदान करेगी।